आज लाइक डबल सेलिब्रेशन है, मैं बोलूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे एंड बहुत मजे से भी हैं। तो आज संडे है एंड आज संडे बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज फादर्स डे है। एंड मैं जैसे इस वीक में बोल रही थी ना कि इस वीक में जमाई षष्ठी भी था एंड मैं शॉमी को ऐसा कुछ बना के खिलाती हूँ तो नहीं हुआ था। मैंने लाइक कुछ भी नहीं, इतना कुछ भी मैंने हार्डली कुछ ही बनाया था बिकॉज इट वॉज वीक डेज एंड शॉमिक बहुत बिजी थे। तो आज लाइक डबल सेलिब्रेशन है, मैं बोलूंगी फादर्स डे कम जमाई षष्ठी। तो मैंने सुबह से, इट्स अराउंड 11:30 एंड मेरा सभी खाना बनाना हो गया है, पर डेफिनेटली मैंने रिकॉर्ड भी किया है आप सबके लिए। तो देख लीजिए कि शॉमिक के लिए स्पेशल मौके पे मैंने क्या क्या खाना बनाया है। एंड शॉमी के लिए खाना है मतलब नॉन वेज तो बनेगा ही। तो ये ना लॉबस्टर टेल है, पहले ना मैं इसको थोड़ा फ्राई करूंगी, ज्यादा टाइम के लिए नहीं। उसके बाद इन द सेम ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ 2 तेजपत्ता एंड 1 सूखी हुई लाल मिर्च। फिर मैंने एक पेस्ट बनाया है विथ 1/2 अनियन एंड 1.5 टमेटो, वो मैंने ऐड कर दिया है। फिर हम लोग ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए ना तो आप देख सकते हैं कि ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी, फिर रेड चिली पाउडर एंड फिर अराउंड 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर। तो जिस तरीके से चिंगड़ी मच्छर मलाई करी बनाते हैं, सेम टाइप लाइक सेम तरीके से मैं बना रही हूँ। तो सारे मसाले जब अच्छी तरीके से भुन जाए फिर डेफिनेटली थोड़ा सॉल्ट तो ऐड करना ही है, तो मैं अभी इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ना ये कोकोनट मिल्क है, मैं अराउंड 1 कप ऑफ कोकोनट मिल्क ऐड कर रही हूँ। एंड फिर हम लोग इसमें ना थोड़ा पानी देंगे, थोड़ा पानी देके ना मैं कवर करके रख दूंगी जब तक ना एक उबाल टाइप आ जाए। तो आप देख सकते उबाल टाइप आ गया है, तो अभी ना मैं लॉबस्टर टेल को ऐड कर दूंगी। सपोज अगर आपको लॉबस्टर से नहीं बनाना है तो आप श्रिम्प से बना सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा कुछ फिश से भी बना सकते हैं। फिर मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ एंड अभी मैं इसको कवर करके रख दूंगी इन लो फ्लेम फॉर अराउंड 5 मिनट्स, दैट्स इट। तो 5 मिनट्स हो चुका है, गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सम रेड चिली एंड हाँ बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स। बस अभी इसको स्टैंडिंग टाइम देंगे फॉर अराउंड 10 मिनट्स। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सरसों एंड पॉपी सीड्स भिगो के रखा था, तो अभी हम लोग इसको पेस्ट बनाएंगे। फिर मैं इसमें रेड चिली दे रही हूँ, ये बहुत ज्यादा तीखा है। जब भी आप सरसों ऐसा मिक्सी में पेस्ट करेंगे ना, अगर आप खाते हो तो ऑलवेज ऐड सॉल्ट, नहीं तो बहुत ज्यादा कड़वा हो जाएगा। तो सॉल्ट। तो पेस्ट रेडी हो चुका है, अभी इसमें फर्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ लिटिल बिट ऑफ हल्दी एंड ये भी बहुत सिंपल रेसिपी है, सम रेड चिली, दिस इज एज पर योर टेस्ट, आपको कितना तीखा खाना है। फिर मैं अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट ऐड कर रही हूँ। फिर मैंने सरसों का तेल ऐड किया है, अभी हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सॉल्ट जरूर ऐड कीजिएगा एंड थोड़े टेस्ट कर लीजिएगा पहले ही, लाइक फिश ऐड करने से पहले। ये हिल्सा फिश है यानी इलिश माछ है। सपोज अगर आपके पास हिल्सा फिश नहीं है ना, ये सैमन से भी बहुत अच्छा बनेगा, नहीं तो आप श्रिम्प से भी बना सकते हैं। एंड फिर ना मैं इसको माइक्रोवेव पे स्टीम करूंगी, बट जो पावर लेवल है ना वो बहुत लो होना चाहिए। सपोज मैं पावर लेवल 2 पे कर रही हूँ, सपोज अगर आपका माइक्रोवेव 850 वॉट्स का है तो आपको ना 220 पे इसको चलाना है। तो मैं अराउंड 15 मिनट्स फर्स्ट दूंगी, देखती हूँ कैसा होता है। अगर कच्चा रहा देन अगेन आई विल रिपीट द प्रोसेस। एंड बीच में ना मैंने एक बार फिश को ना टर्न किया था एंड सपोज अगर आपको माइक्रोवेव पे नहीं करना है देन आप गैस के चूल्हे पे भी कर सकते हैं, लाइक धीरे धीरे कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा सभी नॉनवेज ही नॉनवेज बना, पर हाँ अभी मैं राय का चटनी बनाऊंगी। राय का चटनी मतलब ऐसा नहीं है, मतलब राय राय के लिए मैं चटनी बनाऊंगी क्योंकि राय को चटनी बहुत पसंद है। एंड हाँ अभी एक बहुत ही गुड न्यूज़ है जो शॉमिक ने मुझे दिया है। मुझे लगता है कि ऐसा तो मैं अच्छी गार्डनर नहीं हूँ, बट हाँ अगर आप कोशिश करेंगे तो लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ ही यू कैन बी एबल टू डू इट। क्या बोलते हो शॉमिक इस बारे में? या तो इसका एग्जाम्पल है एक चीज़, वेट मैं आप सबको दिखाती हूँ, रुकिए मैं कैमरा को उस तरीके से उस तरफ फ्लिप करती हूँ। तो
देखिए फाइनली दो टमाटर आ गया है। फाइनली टमाटर आ गया एंड ये लोग इतना छुपे रुस्तम है ना, अपने आप में ही पोलिनेशन एंड ऑल कर दिया है, मुझे पता भी नहीं चला। एंड लास्ट ब्लॉग में ही मैं आप सबको बोल रही थी ना, शायद यू नो मेरा किस्मत में टमाटर होना लिखा ही नहीं है। फिर शौमिक ना लाइक शौमिक उठे एंड ही वेंट आउट, सो शौमिक हाउ डिड यू सी, बिकॉज ओ शौमिक यहाँ पे बैठे हुए थे ना, फिर उन्होंने देखा तो शौमिक वाज लाइक पायल टमाटर आया है, तो अभी देखते हैं ये टमाटर कभी मैं अच्छी अच्छी तरीके से यू नो खाना एंड ऑल दूंगी। खाना मतलब वो किसी ने मुझे बोला था लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड ओनली टोल्ड मी कि एक जो होता है ना, एक का जो शेल होता है ना वो क्रश करके देने के लिए, फिर चाय का पत्ती। मैंने बहुत कुछ ख्याल रखा है मैंने, इस बार होप सो मैं प्लांट किलर नहीं बनूंगी। पर क्या होता है ना, अगस्त आते आते मेरा वो एनर्जी चला जाता है। हाँ अगस्त आते आते मैं किल कर ही देती हूँ सारी प्लान को। नहीं एक्चुअली अगस्त आते आते ना राय का तो वेकेशन स्टार्ट हो जाता है ना, एंड मोस्ट बोर नहीं होते तब क्या होता है, मोस्टली ऐसा होता है वेकेशन पे हम लोग लाइक यहाँ बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं, कुछ करने चले जाते हैं। तो ओ राय बोल रही है टोमेटो प्लांट्स को, ओ हाँ ज़्यादा सनलाइट हो रहा है क्या, कहे कहाँ पे रखूँ। और तो मैं बहुत ही सिंपल मैंगो एंड टमाटर से चटनी बना रही हूँ। एंड इसमें ना लाइक ये थोड़ा ना खट्टा मीठा ऐसा होता है, तो जब भी अगर आपको बंगाली टाइप चटनी बना खाने का मन करे ना, ऑलवेज ऐड ना वन ड्राई चिली। तो ड्राई चिली से क्या होता है ना, थोड़ा एक हल्का तीखा तो आता ही है, लाइक खट्टा मीठा तीखा, पर मीठा मीठा ही थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इतना ज़्यादा यू नो तीखा भी नहीं होगा। एंड हाँ मैंने चिकन भी बनाया था, पर मैंने और वो शेयर नहीं किया क्योंकि इट इज द सेम टाइप ऑफ चिकन जो मैं हर वक्त बनाती हूँ। तो चटनी बनाने के लिए ऑयल गरम हो चुका है। फर्स्ट मैंने इसमें दिया है एक सूखी हुई लाल मिर्च, एक तेज पत्ता एंड हाफ टी स्पून ऑफ पाँचफूरन। एंड सूखी हुई लाल मिर्च ना आपको थोड़ा तोड़ के देना है क्योंकि मैं जैसे बोल रही हूँ हल्का तीखा भी होगा। थोड़ा कैशू नट मैंने ऐड किया है एंड उसके बाद टमाटर एंड मैंगो, लाइक टमाटर मैंने दो लिया है एंड ओनली वन मैंगो मैंने लिया है। एंड अभी मैं करछी ज़्यादा नहीं चलाऊंगी, थोड़ा सॉल्ट मैं ऐड करूंगी एंड कवर करके रख दूंगी जब तक टमाटर एंड मैंगो ना अच्छी तरीके से गल जाए। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से सब कुछ गल चुका है। तो एट दैट स्टेज ना मेरे पास गुड़ नहीं है, जनरली गुड़ ऐड कीजिएगा। मैंने ब्राउन शुगर ऐड किया है, लाइक आपको जितना मीठा चाहिए। फिर थोड़ा पानी दे के कवर करके रख देंगे अनदर 5 मिनट्स एंड रेडी हो जाएगा। एंड हाँ फिर ना एट द एंड मैं इसमें भाजा मसाला दे रही हूँ। एंड हाँ सैलड तो इज ए मस्ट, तो सैलड पे ना मैंने थोड़ा नींबू दिया है, थोड़ा चाट मसाला पाउडर एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। एंड कल जो मैंने फिरनी बनाया था जस्ट सी फ्रिज में रखने के बाद कितनी अच्छी तरीके से सेट हुआ है। तो चलिए अभी चटनी भी रेडी हो चुका है, इसको निकाल देते हैं क्योंकि चटनी को ना ठंडा खाया जाता है। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 एंड सारा खाना बनाना खत्म। अच्छा लगता है राइट, जब किचन का काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। बट डेफिनेटली यू नो मैं सुबह कितने बजे उठी, 7:30 को, एंड फिर 8:30 से ना मैंने थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। एंड हाँ मैं कुछ भाजी बनाऊंगी, तो इसके लिए ना मैंने आलू को सी इस तरीके से कट करके रख दिया है, लाइक बहुत ही पतला पतला करके, वो ग्रेटर होता है ना वो, ये इससे मैंने कट किया है। एंड हाँ ये भी मेरे शादी का है, मेरे घर में ना बहुत सारा स्टील के बर्तन लाइक जो करछी एंड ऑल है ना सभी मेरे शादी का है। देखिए कुछ खराब भी तो नहीं हुआ है। तो मैं ये बनाऊंगी एंड उसके साथ मैं थोड़ा बैंगन फ्राई भी बनाऊंगी, ऐसा देखने में यू नो इट विल लुक गुड। अभी पता नहीं शौमिक बैंगन फ्राई खाएंगे किया नहीं, बट जो भी हो। तो अभी हम लोग मैं सिर्फ प्लेन राइस बनाऊंगी एंड क्या या एंड और भाजी बनाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा के आ जाऊं, एंड बहुत ज्यादा मुझे लगता है बहुत सालों के बाद ऐसा कुछ संडे आया होगा जहां पे इतना जल्दी मेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि संडे को यू नो हम लोग सभी लोग चील करते हैं। संडे को हम लोग का लंच खाते खाते मोस्ट ऑफ द डेज तो 3 o'clock हो ही जाता है, कभी कभी 3 o'clock से भी लेट हो जाता है। एंड हाँ आप टेल मी वन थिंग ना, ये मेरे चाइनीज मनी प्लान को ना सुबह से शौमिक ने यहाँ पे, पहले तो उन्होंने धूप पे दे दिया, उधर धूप चाहिए, हर वक्त हम लोग को धूप देना पड़ेगा क्या।
अगर हर वक्त ही धूप देना पड़ेगा तो मेरे किचन में रखने का कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज मेरे किचन में दोपहर के दोपहर में जाके धूप आता है। तो आप लोग बताना ना, हर वक्त ऐसा धूप में देना पड़ेगा क्या? हाँ, वीक में 1-2 डेज धूप में देना पड़ेगा, देन इट्स फाइन, बट अगर हर वक्त ही धूप में देना पड़ेगा तो यू नो ये एक टास्क के जैसा बन जाएगा। सुबह उठ के धूप में दो, शाम में फिर अंदर लाओ। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं पॉट भी, कल मुझे, मैं वहाँ पे देख रही थी कितना लाइक थोड़ा छोटा यू नो थोड़ा मैं अच्छा पॉट थोड़ा खरीदूंगी, बिकॉज ये तो ऐसा ही है, इसके लाइक मुझे पॉट चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं नहा के आती हूँ। तो मेरा नहाना खत्म, एंड हाँ, राय ने अपने जो गिफ्ट कार्ड उसको मिला था उससे राय ने, मॉम व्हिच वन डिड यू गेट? देखो मैं दिखाती हूँ। तो ये मुझे काफी क्यूट लगा, ये व्हाट इज योडा ठीक बोलते ना, व्हाट ग्रू ग्रू Raw groove. It's baby Yoda. Okay, baby Yoda. Yani Yoda ka bachpan. But don't you feel? He's not Yoda ka bachpan. Oh, he's not Yoda ka bachpan. Sorry. He's not Yoda ka bachpan. Same species. Okay, he's the same species. Dusra ek character hai. And kuch kha bhi raha hai. Yellow type soup. Ka. Soup pi raha hai. Chalo, acha bachcha. Acha bachcha. But don't you feel this is similar to that Harry Potter yeah, one? Dobby. Yeah. Yeah. See, ye similar hai na. Dono aisa mele mein bichra hua bhai lag rahe hai. See, this is also little. Ear same hai. Na? Mm-hmm. Do they have any connection? Mm-hmm. No, कोई connection नहीं है, okay? इसको Dobby को यहाँ रख देते हैं। ये वो is Harry Potter क्या? Hermione. और Hermione है, Hermione के साथ ये Dobby को रख देते हैं, क्योंकि Dobby मुझे पता है क्या है? Dobby house elf है। Elf. Elf sorry. House का elf है। वो कुछ भी काम नहीं करता है, उसका नाम house elf है। See, just so much. ये असली योडा है, वो डुप्लीकेट था, ये असली योडा है। इसके साथ हाउ मेनी ऑफ यू लाइक फंको पॉप्स, लाइक आपके बच्चे किसको पसंद है? बट या बहुतों को, जो लोग को ऐसा, बहुत बड़े को भी मैंने देखा है ना, जो लोग को जैसा बहुत सारे लाइक हैरी पॉटर के फैन है या स्टार वॉर्स के फैन, एक्चुअली वो लोग जाके खरीदते हैं लाइक कुछ पीसेस ना सो एक्सपेंसिव, बट दे स्टॉप मेकिंग देम। चलो ऊपर चलते हैं, बहुत हो गया। Somewhere I feel ना दिस lights were the best, and बहुत जन बोल रहे थे fairy light, this is not fairy light, ये LED light है, and इसका ना वे remote control भी है, तो इसको ना जैसे कि आप you know कमती भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत ही dim कर सकते हैं, तो बहुत सारे forms है इसके, फिर you can increase it, फिर कुछ एक love भी है, ऐसे उसमें क्या होगा, ओ ऐसा 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 dance करेगा। क्योंकि हम लोगों के घर में दो और ऐसा लाइट है ना, तो अभी तक कुछ भी खराब नहीं हुआ है। जो स्टेयर केस के वहां पे, वो तो आई थिंक सो इट्स मोर देन 6-7 मंथ्स, वो ही शौमिक ने पहले खरीदा था, फिर पूजा रूम में शौमिक ने लगाया। तो ये रहा आलू भाजी, ये ना बहुत अच्छा लगता है, कुरकुरा खाने में होता है, एंड उसके साथ मैं थोड़ा बैंगन फ्राई भी कर रही हूँ, दिस इज अ वेरी सिंपल बैंगन फ्राई। तो सामने में बहुत अच्छा फ्लावर हुआ है, एंड ये ना डेजी है, दिस इज डेजी, या दिस इज डेजी, तो येलो तो था हम लोग के, यहाँ पे रेड डेजी है, वो हम लोग को पता ही नहीं था। सी कितना अच्छा लगता है। तो शौमिक अभी भगवान को मैंने बोला चरा देने को, एंड ये मुझे शौमिक ने दिया है तो मैं लगा देती हूँ। आज
शॉमिक का ही दिन है, डबल सेलिब्रेशन। मैं जैसे बोल रही थी फादर्स डे एंड जमाई षष्ठी, एंड टोटल मैंने 7 आइटम्स बनाया है। तो फादर्स डे कम जमाई षष्ठी का स्पेशल लंच रेडी है, एंड शॉमिक ने सुबह से ऐसा सैटरडे, शॉमिक हम लोग हर वक्त अंडा खाते हैं, संडे शॉमिक हर वक्त अंडा खाते हैं, आज सुबह से शॉमिक ने कुछ भी नहीं खाया ना, क्या खाया सिर्फ तुमने एक ब्रेड खाया। एंड हाँ, राय ने शॉमिक को फादर्स डे के लिए भी गिफ्ट भी दिया है, जो है बॉक्सिंग ग्लव्स। शॉमिक ने खाना भी स्टार्ट कर दिया है, देखो शॉमिक का फेवरेट फिश बना है। तो खाना खाने के बाद, खिलाने के बाद, अभी गैस से ही हम लोग सब काम करा रहे हैं। शॉमिक की सब कुछ ले लेके जा रहे हैं। यार राय पूछ भी रहे, बाबा आर यू गोना गो टू स्लीप शियर। तो राय ने सिर्फ क्या खाया, लॉबस्टर खाया ना। तो शॉमिक तो सब कुछ ही लेके चले गए, अभी मैं सिर्फ टेबल साफ कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेली काम करती हूँ, हम लोग दोनों ही मिलके काम करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ यू नो कि मुझे टॉवल लाइक वॉश करना इज समथिंग जो विच आई डू ऑन ए डेली बेसिस। लाइक मुझे लगता है कि टॉवल, वी शुड मेंटेन ए लॉट ऑफ हाइजीन जब टॉवल के बारे में बात आता है। तो फाइनली किचन का सारा काम हो गया है। एंड एक्चुअली शॉमी की, हम लोग ने खाना खाया ना, तो शॉमी की सब कुछ लेके उन्होंने सब कुछ जगह पे रख दिया। एंड ये सुबह से ही ना वो खिड़की के वहां पे था, तो बहुत ज्यादा ऐसा सनलाइट आ रहा था ना, तो आप लोग मुझे बताना ना, ऐसा डेली सनलाइट पे देना पड़ेगा क्या? क्योंकि अगर डेली देना पड़ेगा तो मुझे लगता है यहाँ रखने का कोई मीनिंग ही नहीं है। बिकॉज क्या होगा, पहले तो बहुत सारा जोश रहेगा, एंड बाद में हर वक्त की जैसा होता है ना, इतना तो ध्यान नहीं रहता है ना, तो मैं भूल जाऊंगी। वंस इन अ वीक हो तो देन आई कैन डू इट। तो अभी मैं चली जाऊंगी नीचे मेरा काम करने, एंड शॉमिक एंड राय दोनों ऊपर में कुछ एक देख रहे, बैड बैच। हाँ, बैड बैच देख। तो अभी शाम के 6 बजे है, एंड मेरा जो काम था वो खत्म हो गया है। एक्चुअली कल भी मैंने थोड़ा एडिटिंग कर लिया है, तो आज और इतना ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगा। एंड अभी हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा घूम के आए, शॉमिक तो सो रहे हैं, तो मैं और राय रेडी हो गए हैं। एंड मैं शॉमिक को बुला रही हूँ कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, तब तक मैं यहाँ पे लीची खाती हूँ। मुझे लीची बहुत पसंद है। एक्चुअली लास्ट टाइम जब हम लोग लीची लाए थे ना, वो ज़्यादा अच्छा था। अभी भी ना ये थोड़े कच्चे क्योंकि सी रेड नहीं है। एंड सेम कल की तरह ही हो रहा है कि हम लोग निकले एंड फिर बारिश होना शुरू हो गया। एंड कल भी एक्चुअली इसी टाइम पे हुआ था, एंड सेम वही तरह, यू नो, कुछ जगह पे धूप है, कुछ जगह पे इट इज क्लाउडेड। लाइक अभी हम लोग यहाँ पे बारिश हो रहा है, बट नेचुरली हम लोग जहाँ पे जाएंगे हम लोग बारिश लेके ही जाएंगे। ऐसा बहुत या राइवल स्पेशली टेक दिस कार, पता नहीं ये कार का कलर ब्लू है ना, तो ये कार पे मोस्ट ऑफ द टाइम ना, जब भी हम लोग ऐसा कहीं पे जाने के लिए निकले, हर वक्त बारिश होता है। तो हम लोग के वहाँ पे बारिश हो रहा था, एंड यहाँ पे धूप है, एंड मैं सनग्लास एंड ऑल कुछ भी नहीं लाई। मुझे लगा कि चलो बारिश ही हो रहा है, कहाँ पे जाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो हम लोग ब्रिज से जाते हैं ना, जो मैं हर वक्त दिखाती हूँ, जो हम लोग मंदिर जाते हैं, तो पहले मैंने बोला था कि वहाँ पे ना एक वॉक वो लोग ने किया है, वेयर यू कैन वॉक, इट्स अराउंड 5-6 miles, या 5 miles का वॉक है। तो हम लोग भी इतना डेफिनेटली वॉक नहीं करेंगे, थोड़ा ऐसा घूम के चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना अभी आज कोई भी नहीं है बिकॉज ऑफ फादर्स डे। तो अच्छा है। मेरा ना बहुत शौक था, मोस्ट ऑफ यू नो दैट आई लव वॉकिंग, कि फुल ब्रिज, यू नो, 5 miles वॉक करके जाएंगे फिर वॉक करके आएंगे। अभी तो मेरा ये लेग पे ही प्रॉब्लम हो गया, बट डेफिनेटली एक दिन ना एक दिन तो ठीक होगा। आई वॉन्ट टू डू इट।
एंड यहाँ पे ना बहुत साउंड है, लाइक आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पे ना बाइक भी रेंटल्स मिलते हैं। मैं राय और शौमिक को बोल रही थी कि तुम लोग बाइक ले लो ना, बाइक थोड़ा करके आओ। तो शौमिक वाज लाइक नहीं नहीं, तो तुम अकेले वॉक करोगी। मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं है, अभी क्या करूँ, मुझे कितना कुछ नहीं आता है, स्विमिंग नहीं आता है, बाइकिंग नहीं आता है, तो इसलिए ना मैंने राय को ये सब सिखाया है। हम लोग ब्रीच से बोर हो गए थे, फिर हम लोगों को लगा चलो ये जगह पे आते हैं। एक्चुअली ये जो जगह है ना, पहले जहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते थे ना, लाइक ये वही विलेज का पार्ट है एंड अभी भी हम लोग जहाँ पे रहते हैं इट इज़ वेरी नियर। लाइक कभी भी ना जब हम लोगों ने घर चेंज लाइक खरीदा, वी नेवर थॉट कि हम लोग ज़्यादा दूर जाएंगे, रहते रहते एक हैबिट हो जाता है ना। तो दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल, लाइक वही सेम नदी जो शौमिक को बहुत पसंद है। Show emotions, we just keep it down, down inside. And इतना खूबसूरत ये जगह है ना, एंड हम लोग फर्स्ट टाइम इतने 10 सालों में ये जगह पे आए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पार्क्स है ना, एंड ये थोड़ा लाइक अलग जगह पे है। एक्चुअली हम लोगों को ना लाइट हाउस देखने जाना था, पर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसके बगल में ये यू नो पार्क था। एंड वहाँ पे जो सब अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ना, आई थिंक सो मोस्टली ऑल ऑफ देम आर अबव मिलियन ना, आई थिंक सो या अराउंड, नहीं नहीं मिलियन से ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे रहते थे ना, यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं ना, तो ये लाइक नया हुआ है, ये बिल्कुल ही नया हुआ है। सी फ्रॉम हियर आप हर वक्त इतना अच्छा व्यू हो तो और क्या चाहिए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव लाइक दिस व्यू मुझे बताना। तो चलो विद दिस ब्यूटीफुल व्यू मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ, एंड मुझे लगता है आप लोग सबको स्विमिंग आता ही है, नहीं तो जिसके पास बोट है बोट लेके चले जाइए। एंड हाँ, वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक, तो चलिए बाय बाय।